हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मोमा में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9 से 12 महीने के बच्चों की डाइट चार्ट के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर शुरुआत से ही नींव अच्छी रहेगी तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। उसी तरीके से अगर शुरू से ही अच्छी खाने की आदत रहेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बच्चे को फ्यूचर में नहीं आएगी। ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिससे बच्चा खुद जल्दी से अपने से खाना सीखेगा। क्या चीज़ें नहीं करनी है इम्पॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहला, दिन में बच्चे को हम कितनी बार खिलाएं, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 9 से 12 महीने के बच्चों में, प्लस मिल्क कितनी बार पिलाना है, कितनी क्वांटिटी में पिला सकते हैं पूरे दिन में। सेकेंड क्वेश्चन, क्वांटिटी एंड थिकनेस कैसी होनी चाहिए फूड की एवरी मील में। थर्ड क्वेश्चन, कैसे खिलाएं, बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, मील प्लानिंग किस हिसाब से करें। देखिए, मैं आपको एंड में एक डाइट चार्ट दूंगी, तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दिन में कितने बार खिलाना है, बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट, मतलब बच्चे को कितना रिक्वायर्ड है कैलोरी, वो कितनी होनी चाहिए। 9 to 12 मंथ के बच्चों को पूरे दिन में 750 से लेकर के 900 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि इस एज ड्यूरेशन में आधे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो मिल्क से फुलफिल हो जाती है, बट अराउंड हाफ फूड से फुलफिल होने चाहिए, जो कि 6 to 8 मंथ में फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी, 1 to 2 मील ही थोड़ी क्वांटिटी में दे रहे थे, तो अब बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकेंड, हम कितनी बार खिलाएं तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फूड के थ्रू जो फुलफिल होने वाली है वो फुलफिल हो जाए। उसके लिए आंसर है, 9 महीने का बच्चा है तो आप दिन में 3 बार खिलाएं, 10 महीने का बच्चा है तो आप 3 से 4 बार, 11 से 12 महीने के बच्चे आते तक दिन में 4 टाइम्स आप फूड खिला सकते हैं, मतलब सॉलिड फूड खिला सकते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम मिल्क एज पर द डिमांड आपको पिलानी है। हर बार जब आप खाना खिला रहे हैं, अगर लगता है कि बच्चे ने अच्छे से नहीं खाया है, तो भी आप उसके बाद बच्चे को फॉलो कर सकते हैं मिल्क फीडिंग से, लेकिन स्टार्टिंग में पहले खाना खिलाना है, उसके बाद ही मिल्क पिलाना है, नहीं तो ऑब्वियस है बच्चा खाना कम खाएगा। लेकिन बुक्स में क्या रिकमेंडेड है, 720 से 960 ml इन एज ड्यूरेशन में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल का बच्चा है तो 750 से ml से ज़्यादा दूध आपको पूरे दिन में नहीं पिलाना है। मिल्क फीड है, ऑब्वियसली मेजर नहीं कर सकते, बट आपको ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी मिल्क फीडिंग की, ब्रेस्ट फीडिंग की धीरे धीरे कम करनी है। रात में ऑब्वियस है बच्चा ज़्यादा पी लेता है, इसलिए दिन में आपको कोशिश करनी है सॉलिड फूड ज़्यादा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे खिलाएं, कैसे खिलाएं बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं सबसे पहले बताती हूँ बच्चों को एक बार में आप कितना खिला सकते हैं। 9 महीने का जो बच्चा होता है एक बार में आधी कटोरी खाना लगभग खा सकता है, मतलब कितना होता है, एक कटोरी एवरेज साइज की जो होती है वो करीब करीब 250 ml की होती है, तो आधी कटोरी लगभग 120-125 ml का है, उतना खाना खा सकता है। 1 साल होते तक बच्चा 3/4 से पूरी एक कटोरी खाना तक खा सकता है, लेकिन ये सब रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आधी कटोरी खाना है, 9 महीने का बच्चा हुआ आज से आप बस आधी कटोरी खिलाना शुरू कर दिए, जो कि बच्चा पहले 2-4 चम्मच ही खा रहा था। धीरे धीरे बढ़ानी है डोज, और आपको ये भी नहीं करना है कि बच्चे ने कल तो खा लिया था तो आज भी खाए, आधी कटोरी लेके बैठे तो उसको ख़त्म ही करना है। आपको खुद को कभी भूख ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो अगर आपको लगता है बच्चे का पेट भर गया है, बच्चे ने आधी कटोरी ख़त्म नहीं की है, तो आपको बस स्टॉप कर देना है, फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। फोर्स फीडिंग करेंगे तो बच्चे का निगेटिव एसोसिएशन अभी से डेवलप हो जाएगा, बहुत स्टार्टिंग एज है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ये जो खाना, जो बच्चे का आप फूड हैबिट डाल रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी आपकी मेहनत वेस्ट होने वाली है। लेटर ऑन आप यही परेशान रहेंगे, बच्चा खाना नहीं खाता है, 2 साल का हो गया अपने से खाना नहीं खाता, ये करता है। तो मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुने, सबसे पहले तो कोई सॉल्ट शुगर आपको ऐड नहीं करनी है 1 ईयर तक, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बच्चा कैसे खाएगा, मैंने खुद ने अपने बच्चे को ऐसे ही खिलाया, सबने बोला है, और आज की डेट में वो सब चीज़ अच्छे से खाता है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाता है, जस्ट बिकॉज शुरुआत से उसको अच्छी आदत डली हुई है। सेकेंड है, आप बच्चे के साथ फोर्स फीडिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। थर्ड, स्क्रीन टाइम बिग नो, कोई स्क्रीन, कोई मोबाइल, कोई टीवी नहीं देनी है, ये नहीं सोचना है फटाफट खा लेगा, फटाफट के चक्कर में बाद में लेटर ऑन आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। अभी जो टाइम है ना वो इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे ना, बाद में लेटर ऑन आपको बहुत सारा खुद के लिए टाइम मिलने वाला है। सेकेंड है, आप बच्चे को खुद खाने के लिए अलाउ करें। 9 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें पिंसर ग्रास्प आ जाती है, यानी कि वो इंडेक्स फिंगर और अपनी ये जो थंब होता है उससे कोई भी चीज़ पकड़ना शुरू
करने लगता है। इसलिए आप जब उसको कोई भी फूड ऑफर करेंगे, फिंगर फूड स्पेशली, आपको ध्यान देना है जो वेल कुक्ड हो, सॉफ्ट हो। जैसे आप राइप्ड बनाना दे सकते हैं, कोई भी सब्जी जैसे कैरेट हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, आलू हो गया, इसको उबाल के लंबे लंबे स्लाइसेस करके फिंगर फूड आप बना के दीजिए, उसको बच्चा उठा के खुद खाएगा। बस मेक श्योर करना है जब बच्चा खा रहा है तो उसके पास कोई बैठा हुआ होना चाहिए, उनकी उसकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपके पास बच्चे के लिए प्रॉपर वो जो बच्चे की टेबल चेयर रहती है वही रहे, आप अपनी गोदी में बिठा के भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बच्चा सोफे में टिक के बैठ रहा है, कोई है साथ में तो भी बैठ सकता है। उससे क्या होगा, बच्चा थोड़ी गंदगी करेगा, अपना कपड़ा गंदा करेगा, हो सकता है फर्श में बैठा हो फर्श गंदी कर रहे, कोई गंदा कर रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। धीरे धीरे जैसे 1-1.5 साल का होगा बच्चा, बिना गंदगी करे खुद से खाने लगेगा, चम्मच उठा के खाने लगेगा। तो लेट बेबी एक्सपेरिमेंट, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे, उसको इंटरेस्ट डेवलप होने दे खाने के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाने वाले हो उसे आधे घंटे पहले से कोई भी फ्लूइड नहीं दे, ना ही दूध पिलाना है, ना पानी पिलाना है, ना जूस पिलाना है, कुछ भी फ्लूइड नहीं दे। इतनी देर अगर बच्चा खाली पेट रहेगा तो जो खाने का एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जब भी भूखे रहते हैं हम तो हम खाना ज्यादा अच्छे से खाते हैं, अगर बीच बीच में मंचिंग कर लिए तो खाने के लिए इंटरेस्ट चला जाता है, चाहे कितना भी टेस्टी खाना हो। हमारे खुद के लिए एप्लीकेबल है ये चीज़। तो आपको प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए बच्चे का सोने उठने का और खाने का। अगर बच्चे की स्लीप वेक साइकिल प्रॉपर रहेगी, फिक्स रहेगी, तो खाने की भी उस तरीके से भूख लगेगी टाइम टू टाइम बच्चे को, और उस टाइम पे आप खाना देंगे। इसलिए रूटीन थोड़ा फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम टेबल रहेगा तो सारी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं मील प्लानिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप्स। मील प्लानिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसलिए हैं क्योंकि हमको ये इंश्योर करना है कि पूरे दिन में बच्चा जो खा रहा है 750 से 900 कैलोरी के अलावा भी, कैलोरी के अलावा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट सब बॉडी में जाने चाहिए। कहने का क्या मतलब, इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन जाना चाहिए डेली बच्चे की बॉडी में, कैल्शियम जाना चाहिए, आयरन जाना चाहिए, जिंक जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बच्चे की बॉडी बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है, ब्रेन बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है, तो डेली बच्चे की बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाना चाहिए। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो डेली बॉडी के में जाना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो एलर्जी वाले हैं, जनरली 1 ईयर के बाद से हम शुरू करते हैं, जैसे पीनट्स हो गए, बहुत सारे नट्स होते हैं। तो हर दिन हमको क्या करना है, प्रोटीन के लिए हमको चीज़, टोफू, पनीर, कुछ भी चीज़ बच्चे को दिन में देना ही देना है। मिल्क आप काओ मिल्क कभी नहीं देंगे, ब्रेस्ट मिल्क दे रहे थे तो ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे फॉर्मूला मिल्क दीजिए, 1 साल के बाद ही काओ मिल्क दीजिए। नेक्स्ट, आयरन के लिए क्या करना है हमको, वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पालक हो गई, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को देना है। आप बच्चों को रोज दही दे सकते हैं कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स के लिए। प्रोबायोटिक्स देना इसलिए जरूरी है, अगर बच्चे का गट अच्छा रहेगा तो डाइजेशन अच्छा रहेगा तो खाना अच्छे से एक्सेप्ट करेगा बच्चा। साथ में इस एज में आप बच्चे के लिए कोई भी एक सिंगल नट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वॉलनट या आलमंड। काजू अभी मत करिए, आलमंड और वॉलनट दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अखरोट आप देंगे बच्चे के ब्रेन के लिए अच्छा है, बादाम भी बच्चे के लिए ब्रेन के लिए अच्छा है, दोनों में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम डिस्कस करते हैं डाइट चार्ट किस तरीके से होगा। अगर बच्चा मान लीजिए 7 बजे सो के उठता है, उठने के बाद उसको मिल्क फीड की आदत है तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं ब्रेस्ट फीड कराइए, फॉर्मूला मिल्क आते हैं तो वो करेंगे। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद 8:30 से 9 बजे तक आप उसको नाश्ता देंगे। नाश्ते में आप क्या दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, या फिर पॉरेज यानी खीर जैसा बना के दे सकते हैं। बस ये इंश्योर करना है धीरे धीरे थिकनेस आपको बढ़ानी है। अगर अभी तक कोई भी फ्रूट आप एकदम चलनी से चाल के दे रहे थे, एकदम फाइन पेस्ट बना के दे रहे थे, धीरे धीरे थिकनेस बढ़ाएंगे। जैसे बनाना है तो उसको आप सिंपल फॉर्क से, कांटे वाली चम्मच से ही दबा के थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इनिशियली दे सकते हैं, धीरे धीरे थिकनेस और बढ़ाएंगे। आप बच्चे को इस टाइम पे फिंगर फूड भी ऑफर कर सकते हैं, ये बच्चे का जनरली प्लेफुल टाइम रहता है, तो अच्छे से कुक किया हुआ वेजिटेबल सॉफ्ट वाला दे सकते हैं। बनाना दे दीजिए आप लंबे लंबे काट के, उसको पकड़ सके बच्चा, खेल सके तो वो खाएगा। अगर इसके बाद लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भरा होगा तो आप मिल्क दे सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चा सोता होगा 1-1.5 घंटे बाद 11 बजे के आसपास, तो बच्चे को प्रॉपर नैप लेने दीजिए। नैप लेने के बाद में जैसे बच्चा उठेगा तो थोड़ी देर बाद हम उसको लंच ऑफर करेंगे, यानी कि दोपहर का खाना। दोपहर के खाने के लिए बेस्ट है आप बच्चे को वेजिटेबल खिचड़ी या वेजिटेबल दलिया बना के दें। इसमें क्या होगा, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें एक बार में मिल सकती हैं। जैसे आप खिचड़ी बना रहे हैं, दाल डालिए, मूंग दाल डालिए, चावल डालिए, जितनी वेजिटेबल्स है आपके किचन में इतनी इतनी क्वांटिटी में, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा आलू,
थोड़ी सी गोभी, दो चार पत्ते पालक, सब चीज डाल के कुक करके अच्छे से भो दीजिए। साथ में घी ऐड करना ना भूले, बच्चे के लिए जो गुड फैट है वो बहुत जरूरी है उसकी ग्रोइंग बॉडी के लिए, तो जरूर घी ऐड करें, उससे जो वेट गेन की भी समस्या आपके बच्चे के साथ वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर दोपहर में लगता है बच्चा सो रहा है, नैप ले रहा है, उस टाइम पे आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए, फॉर्मुला फीडिंग करा दीजिए। अब शाम के समय 5-6 बजे आप बच्चे को थर्ड मील देंगे, ये 9 मंथ की बात बता रही हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगेन अगर आपने सुबह वेजिटेबल या फ्रूट कुछ नहीं दिया था तो इस टाइम पे ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा है कि आप बच्चे को रागी का पॉरेज बना के दें, साथ में उसमें क्या कर सकते हैं आप, कोई भी नट जैसे बादाम या अखरोट इसका पाउडर बना के रख लें, वो पाउडर को उसमें ऐड करके फिर वो दें, तो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, फिलिंग रहेगा। इसके बाद बहुत लेट इवनिंग में, अभी इनिशियली 9-10 मंथ में आप बच्चे को खाना ना दें, मिल्क फीड जैसी चल रही थी वैसे चलने दें। 11 महीने का हो जाएगा, 12 महीने का हो जाएगा, तब तक क्या है बच्चा, कई बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो उनको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, भूख बढ़ जाती है, तब तक वो 4 मील्स भी ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर बच्चे लेट सो रहे हैं तो आप एक मील और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हम 9 से 12 महीने के बच्चे का मील प्लान कर सकते हैं, किन बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है, फूड कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है ताकि दिन भर में उसको सारा न्यूट्रिशन मिल जाए, कैलोरी मिल जाए, खुद से खाने दें बच्चों को, एक्सपेरिमेंट करने दें, बिल्कुल ना डरे, एंड इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे लेटर ऑन कुछ भी समस्या नहीं आएगी, खुद खाएगा बच्चा और लोग आपसे पूछेंगे आपका बच्चा इतने अच्छे से कैसे खाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प की हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।